पहुंच चुके हैं अजमेर एंड अभी टाइम रहा है लगभग सुबह रात के 9 बजे का, और हम लोग चले थे सुबह 11 बजे, और लगभग मतलब जब हम लोग आगरा से चले थे लगभग 3। फाइनली हम लोगों को रूम मिल चुका है एंड टाइम हो रहा है लगभग रात के 11 बजे का, और अब रूम मिला एंड अब सो हे गाइस वेलकम बैक टू द माय यूट्यूब चैनल दिस चैनल ब्लॉग्स। आई होप आप लोग सब ठीक होंगे एंड जस्ट अभी टाइम हो रहा है लगभग सुबह 7 बजे का, और मैं अभी जस्ट फ्रॉम सो गया एंड मुआ दो गम रेडी। एंड आज का ब्लॉग होने वाला बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड बहुत ज़्यादा मजा आने वाला ब्लॉग में, तो प्लीज़ एंड तक देखना एंड आप थंबनेल देख के समझ चुके होंगे कि ब्लॉग में क्या होने वाला। एंड आज हम जाने वाले हैं जसराना टू अजमेर, तो आज काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग ब्लॉग है, ये मेरा फर्स्ट ट्रिप ब्लॉग होने वाला है एंड मैं अभी तक कहीं पर गया नहीं हूँ, मैंने कहीं कहीं ब्लॉग नहीं डाला है एंड देखते हैं आज क्या क्या होता है। एंड उससे पहले जल्दी हम लोग आते हैं रेडी एंड फिर बने रहे ब्लॉग में एंड तक देखें। एंड उससे पहले जो लोग चैनल बनाया प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो लोग अभी तक नहीं कर रहे हैं वो भी कर दें, मुझे सपोर्ट करते हैं दिल से, मैं ऐसी ब्लॉग बनाते रहूँगा। जल्दी से नहा धो के आते हैं रेडी और फिर निकलते हैं सीधे। फाइनली भी निकले हैं घर से एंड टाइम हो रहा है लगभग 11 बजे का, और थोड़ी देर में बस निकलने वाले हैं और अपने साथ तामिल भाई भी आ गए हैं, और सीधे निकलते हैं आगरा के लिए क्योंकि आगरा से हमें ट्रेन मिलेगी, तो आगरा जाकर ट्रेन लेनी। सुखाबाद एंड अभी टाइम रहा लगभग 12 बज गए, और 1.5 घंटे में हम आगरा पहुंच जाएंगे, और वहाँ से फिर वेटिंग हमारी ट्रेन है 3 बजे की, और फिर सीधे निकलेंगे अजमेर। चलो फाइनली अभी पहुंच चुके हैं आगरा फोर्ट पे, और जस्ट थोड़ी देर बाद निकलेंगे आगरा में। इलेक्ट्रॉनिक बसें चलने लगी हैं, पहले मैं करीबन आया हूँ 1 साल बाद, तो पता नहीं है क्या क्या चेंज हुआ है क्या क्या चेंज नहीं हुआ। बस फिलहाल अभी पहुँच चुके हैं स्टेशन पे एंड अपने पीछे आ रही है ट्रेन, और अपने पीछे काम में लाई हुई है साथ में पुराने कैमरा हो रहा है बस का काम कर रहा है। ड्रॉइंग करोगे ब्लॉगिंग करना है अभी, अरे यहाँ गाली वाली गाली कर लेंगे वो। फिलहाल तो अभी जा रहे हैं नीचे अपनी ट्रेन को पकड़ने। ट्रेन गैर कितने बजे चलेगी चाची? ट्रेन कितने बजे की? 2:50 पर चलेगी ट्रेन, और अभी जा रहे हैं नीचे चलने। भाई साहब बंदर आ गए, बंदर स्टेशन पे क्या कर रहे हैं? लोगों को एक बात और बता दूँ कि मैं पहली बार ट्रेन में बैठ रहा हूँ, आज तक मैं 19 ईयर ओल्ड का हो गया हूँ और मैंने आज तक ट्रेन में नहीं बैठा। तो जुनैद भाई आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? चलते हैं तो तब से एक्सपीरियंस बताऊँ कैसा रहा। तुमने देखा ट्रेन में बैठ कर देखा? बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी टाइम तुमने देखा ट्रेन में बैठ के, बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी, और आपको और भी अच्छा लगेगा। पीछे दमोस देते अरे मांगा देगा। तो ये रही हमारी ट्रेन, इसमें हम करने वाले हैं सफ़र और जा रहे हैं अजमेर। और ये देखिए, और ये देखो आगरा की जामा मस्जिद है ये, और मैं आपको पास घूम करके दिखाता हूँ, बहुत प्यारी मस्जिद है ये, और यहाँ पर हम आते रहते हैं हम बहुत बार देखी। और ये है जुनैद, ये जुनैद और ये फुरकान, इनको तो आप जानते होंगे, बहुत बड़े वाले ब्लॉगर हैं ये। सारा सामान ले लिया, बिस्किट और चलिए चिप्स वगैरह ट्रेन में सफ़र के लिए ले लिए हैं क्योंकि वहाँ तो जाएंगे, चचा पूरे दिखा रहे हैं हाथों से ले लिया। अब चलो बैठने जा रहे हैं, जो हमारा डिब्बा है इसमें बैठेंगे हम, पहली टाइम बैठूंगा मैं तो भाई ट्रेन में। फुरकान भी पहली टाइम बैठेगा? बैठ चुका पहले, फर्स्ट टाइम, दोनों फर्स्ट टाइम वाले हैं। अभी आ चुके हैं ट्रेन के अंदर, अभी बैठूंगा ट्रेन के अंदर, और फिर कामले बैठूंगा, फुरकान बैठूंगा, और थोड़ी देर में ट्रेन यहाँ से चलने वाली लगभग 5 मिनट में बस।
निकले जयपुर एंड अभी टाइम रहा लगभग शाम के 7 बजे का और हमें जाना है अजमेर। अब यहाँ से सीधी गाड़ी अजमेर ही रुकेगी एंड 9 बजे तक हम लोग पहुँच जाएंगे, 2 घंटे बाद, 2 घंटे लगभग 2 घंटे बाद पहुँच जाएंगे। एंड अभी यहाँ पर पानी भी पड़ रहा है जयपुर स्टेशन पर, यहाँ पर ट्रेन रुकी हुई है और अपने चच्चा पिक्चर देख रहे हैं आराम से, मज़े कर रहे हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है मेरा, ट्रेन में पहली बार बैठा हूँ, मैं लगा नहीं था मतलब नॉर्मल ही लगता है, पता नहीं क्या लगता है, ये भी एक्सपीरियंस ले लिया। एंड देखते हैं आप आगे क्या होता है, बने रहे एंड तक ब्लॉग देखें, एंड पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, चैनल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर मिलते हैं अजमेर में। चाचा क्या कर रहे हैं? आराम से बस तो बैठे हुए हैं दुकान आराम से। सो फाइनली अभी पहुँच चुके हैं अजमेर एंड अभी टाइम हो रहा है लगभग सुबह रात के 9 बजे का और हम लोग चले थे सुबह 11 बजे और लगभग मतलब जब हम लोग आगरा से चले थे लगभग 3 बजे के टाइम पे और अब बज रहे हैं 9, लगभग 6 घंटे हुए, लगभग 6 घंटे बाद पहुँचे अजमेर। आप लोग देख रहे हो हालत कितनी ख़राब हो रही है, और जा रहे हैं हम होटल लेंगे रूम क्योंकि बहुत ज़्यादा थक गए हैं, अब कवर नहीं हो रहा है बिल्कुल भी, लेट ही है और भूख भी लग रही है, खाना भी खाना है, तो यहाँ पे उतर गए अपनी ट्रेन में से और फिलहाल तो चलते हैं सीधे। चले अब यही करते हैं ब्लॉग का एंड और कल मिलेंगे आपको नए ब्लॉग के साथ में। फिलहाल अभी खड़े हुए हैं बुलंद दरवाजे के बाहर और यहाँ पर रूम ढूंढना है, 1 घंटे से रूम ढूंढना है, कोई रूम नहीं मिल रहा है, जो पसंद आ रहे हैं उनके रेट ज़्यादा, जो पसंद नहीं आ रहे हैं फिर वो तो कुछ कहने नहीं, तो हालत हो गई बहुत ज़्यादा डाउन एंड बस सोच रहे हैं रूम मिल जाए और स्टे कर ले बस थोड़ी देर के लिए, रेस्ट मिल जाए और ब्लॉग पे एंड करें, ब्लॉग ज़्यादा बड़ा हो जा रहा है मेरे पीछे बुलंद दरवाजा पीछे बस। फाइनली हम लोगों को रूम मिल चुका है एंड टाइम हो रहा है लगभग रात के 11 बजे का और अब रूम मिला है एंड अपने चच्चा इधर खड़े हुए हैं, बुरखान इधर खड़ा हुआ है और मैं इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल पर नया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं फिर जल्दी नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय, सी यू।